राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर ऊना में जहां जिला भाजपा द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया, वहीं जिला प्रशासन द्वारा श्रमदान सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए जहाँ पदयात्रा की वहीं श्रमदान करते हुए सफाई अभियान भी चलाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज भारत महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चल रहा है। वहीं अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर निशाना साधने में भी नहीं चुके। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूलकर सिर्फ एक परिवार तक ही सिमट कर रह गई है। वहीं पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पर चुटकी लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां इमरान खान दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष और उपलब्धियां प्रदेश में गिनवा रहे हैं। हाउडी मोदी इतना सफल कार्यक्रम है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उनके प्रधानमंत्री के नाम पर 500 लोग देश में इकट्ठे नहीं होते थे, मोदी जी के नाम पर 50,000 लोग, स्टेडियम को जैम पैक था, पूरी तरह भरा हुआ था और हजारों लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे। ये अंतर है, ये लोकप्रियता है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया है। इंग्लैंड गए तो 60,000 की कैपेसिटी का वेम्बले स्टेडियम पूरा भर दिया, हाउडी मोदी इवेंट में गए तो 50,000 की क्षमता का वहाँ पर ह्यूस्टन में भर दिया। और दुनिया में जहाँ इमरान खान कटोरा लेके दुनिया के देशों में घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भारत का पक्ष, भारत की उपलब्धियों को रख रहे हैं। अंतर है कि भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को मैं बहुत बधाई देता हूं और महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर देश आगे बढ़े, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है। स्वच्छता अभियान जिसकी शुरुआत माननीय मोदी जी ने देश भर में की, उससे एक बड़ा बदलाव देश में देखने को मिल रहा है। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसका इस्तेमाल जनता स्वयं भी बंद करे ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा पर्यावरण दे सकें, एक अच्छा भविष्य दे सकें, स्वच्छ सुंदर भारत हो और एक स्वस्थ भारत का उससे निर्माण हो, सशक्त भारत का निर्माण हो, नए भारत का निर्माण हो, ऐसा हमारा प्रयास है।